हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आरजे सिलाउट। मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीडी स्केटिंग कैसे लगाई जाती है नई डिज़ाइन के साथ। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देख सकते हो, हम मार्किंग करेंगे पहले। तो ये जो आपको टाइल्स दिख रही है, टाइल्स हमने 11 इंच की काट रखी है, क्यों ताकि हमारी जो सीडी की जो हाइट है वो 7 इंच हाइट है और हम 4 इंच की इसके स्केटिंग रखेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से काट सकते हो, और आपको ज़्यादा स्केटिंग चाहिए तो आप ज़्यादा काट सकते हो, और आपको कम चाहिए तो आप कम काट सकते हो। हम 11 इंच की काट रखेंगे क्योंकि 7 इंच की हमारी सीडी हो गई और 4 इंच के हम इसके ऊपर हम स्केटिंग दिखाएंगे। तो पहले हम मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग आपको बहुत अच्छे तरीके से ही करनी है, ऐसा नहीं हो कि आप मार्किंग के अंदर गड़बड़ कर दोगे। अगर मार्किंग के अंदर आप गड़बड़ कर दोगे तो फिर जो आपका फर्मा ये बिल्कुल सही नहीं बैठेगा। तो ये आप देख सकते हो वीडियो के अंदर हमने लेवल से हम कटिंग कर रहे हैं। तो लेवल से ही आपको करना है, क्यों ताकि हमारा जो राइजर है वो बिल्कुल एकदम लेवल के अंदर है, हमारी सीढ़ी है वो भी एकदम बिल्कुल हमारी लेवल के अंदर है। तो उसी तरीके से आप मार्किंग करें, और मार्किंग करने के बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे, और कटिंग करने का भी तरीका हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि आपको कैसे कटिंग करनी है और किस तरीके से हम इसे लगाना है। और तो ये देख सकते हो अभी हमारी मार्किंग पूरी हो जाएगी, और मार्किंग पूरी होने के बाद कटिंग आपको बहुत आसान है, इसके अंदर कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। अगर आप लगाना चाहते हो तो बहुत ईजी लग जाती है। अगर आप ये जो हमारी टाइल्स है, हमारी टाइल्स जो 4 फीट की आती है वो 4 फीट वाली है। अगर आपके पास बड़ी साइज़ की टाइल मिलती है तो वो और भी अच्छी रहेगी, कि ताकि हमारी जितनी लंबाई की टाइल्स रहेगी उतने ही हमारे जॉइंट्स कम आएंगे, और जितनी हमारी छोटी टाइल्स रहेगी उसके अंदर जॉइंट उतने ज़्यादा आएंगे। तो हमारी जो टाइल्स है वो 4x2 की टाइल्स है, उसके अंदर से हमने काट रखी है स्केटिंग। तो इसी तरीके से काट कर आप चिपका कर, और फिर इस पर आराम से आप मार्किंग करें, और मार्किंग करने के बाद आप अच्छे तरीके से काट सकते हो तो बहुत अच्छी लगती है, और न्यू एकदम न्यू डिज़ाइन है ये। और इसके साथ हम और क्या क्या लगाएंगे वो भी हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो आप पूरा हमारा देखते रहिए, क्योंकि हमारा 8-9 मिनट का वीडियो अगर आप देख लेते हो तो आपको एक नया काम सीखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप वीडियो के देखने के अंदर भी जल्दबाजी करते हो, अगर आप हमारा वीडियो स्किप करके देखते हो, तो फिर आपका जब काम करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि हम वीडियो के अंदर क्या देखा था और हम क्या कर रहे हैं। तो ये देख सकते हो हमने मार्किंग वहाँ से करके लेके आ गए। अब हम मार्किंग इसकी पट्टी की करेंगे, क्योंकि हमारी जो सीढ़ी है वो पट्टी वाली सीढ़ी है, और आपकी मोल्डिंग वाली सीढ़ी होती है तो आप मोल्डिंग के हिसाब से कटिंग कर सकते हो, और आपकी अगर पट्टी वाली सीढ़ी है तो आप पट्टी के हिसाब से कर सकते हो। हमारी तो पट्टी वाली है, तो हम इस पर मार्किंग पट्टी के हिसाब से करेंगे, और अच्छे तरीके से करेंगे ताकि हमारी जो कटने के बाद में एकदम बिल्कुल फर्मा जो एकदम राइट आ जाए। और ये जो कटिंग करनी है आपको ग्राइंडर से करनी है, क्योंकि आप मशीन से करना चाहते हो तो मशीन से भी कर सकते हो, अगर आप ग्राइंडर से करते हो तो आप ग्राइंडर से भी कर सकते हो। और ये जो कटिंग होएगी एकदम बिल्कुल फिनिशिंग ब्लेड से होएगी, ऐसा नहीं है कि हमारी जो पत्थर वाली ब्लेड आती है हम उससे कटिंग करेंगे, ग्रेनाइट काटने वाली तो उससे हम नहीं करेंगे, हम उस टाइल्स वाली आती है फिनिशिंग के साथ करेंगे, ताकि जो हमारी जो स्केटिंग है उसके जो कॉर्नर एकदम बिल्कुल सही निकल कर आए, और जो हमारी स्केटिंग है उसके एकदम नेत्र भी कभी कहीं कहीं ना जड़े। और हम उस ब्लेड से काटेंगे तो हमारी नेत्र जड़ जाएगी, और फिर लगने के बाद में इतनी अच्छी नहीं दिखेगी। तो ये देख सकते हो हमारा जो बंदा अभी कटिंग करेगा, और कटिंग करते समय आप एक बात का ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि जब भी हम ग्राइंडर से कटिंग करते हैं तो उसके अंदर हमारे लगने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो आप कहीं भी कटिंग करो बहुत अच्छे तरीके से संभाल कर कटिंग करना, क्योंकि ग्राइंडर का तो आप जब चलाते हो तो आपको पता ही है कि ग्राइंडर का काम कितना ख़तरनाक होता है। तो सेफ्टी के साथ आप ज़रूर करें, और आप बहुत ध्यान से काम करें, क्योंकि ग्राइंडर एक बार अगर हमारे हाथ में से मिस हो गया तो फिर पता नहीं ये कहाँ जाकर रुकेगा। तो ग्राइंडर से आप कटिंग करो या मशीन से करो, सेफ्टी के साथ करना, ताकि हमारा काम भी अच्छा लगे और हमारी हम भी सेफ के साथ सेफ बचे रहें। हमें जल्दबाजी नहीं करनी है टाइल्स मार्बल के काम के अंदर, क्योंकि टाइल्स मार्बल का काम ऐसा होता है, इसके अंदर हम जितनी जल्दबाजी करेंगे उतना ही हमारा काम बिगड़ सकता है, और हमारे ऊपर भी रिस्क आ सकती है, क्योंकि इसके अंदर मशीन वगैरह का काम होता है तो कहीं भी जाकर मशीन लग जाएगी। तो ये देख सकते हो बंदा हमारा कटिंग कर रहा है, पूरी कटिंग हो जाएगी फर्मे की, और कटिंग करने के बाद हम इसे लगाएंगे, और इसके साथ हम कौन सी पट्टी लगाएंगे और कैसी हमें कटिंग लगेगी, तो वो वीडियो में आप आगे ज़रूर देखना। तो ये पूरी कटिंग हो जाने के बाद में
हम इसे चिपकाएंगे और हम जिस साइड पर लगाते हैं उस साइड पर हम अच्छे से अच्छी स्केटिंग अच्छे से अच्छी हम डिजाइंस लगाने की सोचते हैं। और आप हमारे वीडियो के अंदर टाइल मार्बल से कुछ भी जुड़ा हुआ सवाल रहता है आपका, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे, क्योंकि हम टाइल मार्बल से फ्लोरिंग से जुड़ी हुई वीडियो बनाते रहते हैं और ये काम हम अपना खुद करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी साइड पर जाकर किसी और का काम हम आपको वीडियो के अंदर दिखाएंगे। जितना भी आप टाइल मार्बल का काम देखोगे हमारे चैनल पर, वो सारा हमने हमारे हाथों से किया हुआ है, क्योंकि हम ही काम करते हैं और हम ही वीडियो बनाते हैं। तो हम आपको जब समझाएंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये देख सकते हो हमारा जो फर्मा कटकर पूरा अच्छे तरीके से लग चुका है और हमारी स्केटिंग भी आप देख सकते हो लगने के बाद में इसकी फिटिंग कितनी अच्छी आ रही है, क्योंकि हमारी कटिंग सही हो गई तो फिटिंग एकदम अच्छी आएगी हमारी। तो इसी तरीके से आप करिए और आपका भी काम बहुत अच्छा लगेगा। और आप हमारा वीडियो देख रहे हो और आपको घर में लगवाना है तो आप घर में भी लगवा सकते हो ऐसी, क्योंकि अभी ये जो डिज़ाइन लग रही है स्केटिंग के ऊपर ये नई डिज़ाइन है, ये लगने के बाद में भी बहुत अच्छी लगती है। और आपको इसकी प्राइस पूछनी है कि हमें इसे लगाने का क्या चार्ज लगाया है, तो वो भी आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो, हम आपको कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि हमने इसे लगाने का क्या चार्ज लिया है। और ये सीढ़ी आप देख रहे हो, अगर सीढ़ी से जुड़ा वीडियो अगर आपको देखना है तो वो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो, वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। उस वीडियो के अंदर सीढ़ी से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको मिल जाएगी कि हमने सीढ़ी कैसे बनाई, कैसे कटिंग करी, कैसे फिटिंग करी है और सीढ़ी का हम नाप कैसे निकालते हैं, उसके बारे में भी उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। वो जाकर भी आप देख लेना, वो भी हमने पूरी डिटेल के साथ बना रखी है। तो अभी हमारी स्केटिंग बन लगकर पूरी कंप्लीट हो गई है। हम इसके ऊपर एक काम और करेंगे, जो ब्लैक वाली पट्टी आती है ग्रेनाइट की, वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो ये पट्टी आप देख सकते हो हमने 7 सेंटी की काट कर हमने लगा रखी है। अगर आप ज़्यादा लगाना चाहते हो तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हो और कम लगाना चाहते हो तो आप कम भी लगा सकते हो, मगर आप सीढ़ी की स्केटिंग कहीं भी लगाओ तो डबल के अंदर ही लगाना, क्योंकि डबल के साथ बहुत अच्छी लगती है। और ये रमना आपको दिख रहा है, उस रमने में भी हमने काला ब्लैक बॉर्डर हमने दे रखा है, ताकि जो हमारा रमने के अंदर वाइट टाइल लगी हुई है और हमने वाइट स्केटिंग लगाई तो उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो जाए। तो ये देख सकते हो कैसा लगा हमारा काम, पूरा बनकर तैयार हो गया है। और पसंद आता है तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर करें, आपका एक लाइक के अंदर कुछ भी नहीं जाता और आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर ये वीडियो आप हमारा शेयर करते हो तो और किसी को भी अगर काम कराना है तो वो भी करवा सकता है, तो वीडियो को शेयर भी करें अगर हो सके तो। अगर आप लाइक करें तो बहुत अच्छी बात है, और आपका कोई सवाल होता है टाइल मार्बल से जुड़ा हो तो वो आप हमें कमेंट में पूछिए, हम आपका उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। इसी तरीके से आप स्केटिंग लगाइए, सीढ़ी लगाइए और ये फिनिशिंग होने के बाद बहुत अच्छी लगेगी। तो हम नए नए डिज़ाइन इस चैनल के ऊपर हम अपलोड करते रहते हैं टाइल मार्बल किचन फ्लोरिंग से जुड़ी हुई, तो वो भी आप हमारी वीडियो जाकर देख सकते हो। और आपको अच्छी लगती है हमारी टाइल मार्बल से जुड़ी हुई वीडियो देखना तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जब भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी हम वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी, तो आप देख सकते हो। और हम कोशिश करते हैं आपको अच्छे से अच्छा काम बताने के लिए वीडियो के अंदर, और अच्छा से अच्छा हम काम करने की सोचते हैं। हमारी साइड पर हम कोई जितना भी फ्लोरिंग का काम हम करते हैं वो हम बहुत अच्छा करते हैं, और वो आप हमारी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और आपको भी ऐसा काम करना है तो आप भी कर सकते हो, कोई ज़्यादा इसके अंदर दिक्कत नहीं आती, बहुत ईजी काम है, इतना इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आता, बस आप करोगे तो अब आपको समझ में आ जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछें दोस्तों।